नमस्कार, मैं हूं वात्सल्य त्रिपाठी और आप देख रहे हैं JNI न्यूज। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, जनता द्वारा मिल रही शिकायतों की हकीकत को जानने के लिए जनपद बहराइच के जिलाधिकारी दिनेश चंद ने देर रात जिला अस्पताल में किया औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण के दौरान DM ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत की। मरीजों की तरफ से जिलाधिकारी को ये बताया गया कि अधिक ठंड में अस्पताल की तरफ से कंबल नहीं दिए गए, वहीं सुबह का नाश्ता भी गुणवत्ता विहीन दिया जाता है। मरीजों के द्वारा शिकायतों को सुनने के बाद DM ने अस्पताल के आला अधिकारियों को चेतावनी दी और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को सुधारने का निर्देश दिया। DM के औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल कादिर की एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं JNI न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज बहराइच मेडिकल कॉलेज में अचानक आपने दौरा किया है, क्या है ये? मुझे कुछ फीडबैक मिला था प्रेस के माध्यम से भी और जन सामान्य के माध्यम से भी। मैंने इसमें आज आकस्मिक निरीक्षण किया है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कंबल की आवश्यकता थी, उनको नहीं दिया गया। बाकी अधिकांश लोगों के पास कंबल इशू है। भोजन में कुछ बताया है कि सवेरे नाश्ता नहीं दिया गया, तो इसको मैं देखूंगा और इसमें गंभीरतापूर्वक इस पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन अधिकांश लोगों ने, जैसा कि आपने देखा होगा, कि उनको कंबल दिया गया था लेकिन उन्होंने लिया नहीं चूँकि उनके पास था। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं। लेकिन जो सरकारी सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध सबको कराए जाने के शासन के निर्देश हैं, कराई भी जा रही है। मेरा जो यहाँ पर रोगी भर्ती है उनसे अनुरोध है कि जो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं उनको स्वीकार करें, मना इनकार ना करें, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन की स्थिति होती है कि इनको कंबल दिया गया या नहीं दिया गया। तो कई लोगों ने खुद मना किया कि हमने नहीं लिया, इस स्थिति में सुधार किया।